नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा इंडिगो से आए हुए एक रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि सर एयरलाइंस का कोई भी रिक्वायरमेंट्स आए तो एक बार जरूर शेयर करना। तो इंडिगो से एक बहुत शानदार रिक्वायरमेंट्स आया है और मेरे हिसाब से इस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के रिक्वायरमेंट्स मेंशन किया गया है। तो मैं पूरा डिटेल्स डिस्कशन करूंगा और अप्लाई कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो चलो मैं सबसे पहले ऑफिशियली वेबसाइट में लेके जाता हूँ। देखिए, ऑफिशियली वेबसाइट में बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर में यहाँ पे इसका स्टार्टिंग मतलब डेट दिया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई में आपको जॉब मिलेगा, मुंबई लोकेशन में। और कंपनी कौन सा है, इंटर ग्लोबल एविएशन मतलब इंडिगो। इंडिगो को एक्चुअली इसका मेनली नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन, बहुत सारे लोग इस नाम को देखकर पहचान नहीं पाते हैं, तो उसके लिए बता दूं इंटर ग्लोबल एविएशन इस कंपनी का नाम है। अभी अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जब भी आप यहाँ पे राइट साइड में अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑफिशियली वेबसाइट से एक फॉर्म आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इस फॉर्म में जाकर आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे एक CV डालना है, और आपको CV के साथ साथ एक कवर लेटर भी डालना होगा। अभी कवर लेटर यहाँ पे आप अगर बनाना नहीं जानते हैं तो गूगल में जाइए और कवर लेटर सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको एक चीज़ को याद रखना है कि जो आप CV डाल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट एंड PDF फॉर्मेट और इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक MSG, PPT, XLS इस तरीके से फॉर्मेट्स में नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए, डॉक्यूमेंट्स PDF एंड इमेज फाइल में होना चाहिए। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख लीजिए और री एंटर कर दीजिए ईमेल एड्रेस का। वही ईमेल एड्रेस डालिए जो ईमेल एड्रेस आप यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि दूसरे किसी का ईमेल एड्रेस डाल दिया और बाद में जब आपको कंपनी मेल करेगा का मतलब इंटरव्यू के लिए, तो वो मेल आपके पास पहुंचेंगे नहीं। तो पासवर्ड डालिए, कोई भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं। तो पासवर्ड के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको आपको जरूर फॉलोअप करना होगा। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पासवर्ड देखिए मस्ट बी 8 करेक्टर होना चाहिए, उसके साथ साथ लॉन्ग 18 से कम होना चाहिए, और बताया जा रहा है कि कुछ अपर केस, लोअर केस और लेटर, और साथ ही साथ कुछ नंबर्स भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कि इस तरीके से कुछ पासवर्ड का फॉर्मेट होना चाहिए। मैं एक बार आपको लिख के देता हूँ। मान के चलिए पासवर्ड है राहुल, R मैंने बड़ा लिखा, RAHUL, उसके बाद आपको @ देना है, उसके साथ साथ 123, कुछ इस तरीके से पासवर्ड आपको करके देना है मतलब लिखना है। तो उसके बाद आपको री एंटर पासवर्ड करना है, जो आप यहाँ पे डाला वही डालना है। फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, कंट्रीज के नाम डालिए, आप कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका फ़ोन नंबर डालिए। उसके बाद आपको मतलब बाकी जो डिटेल्स है वो आपको भरना होगा, आपका एड्रेस वगैरह, उसके बाद आपका पोजीशन कौन सा है, मगर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉई, किसी भी जगह पे आप काम कर चुके हैं तो उसका डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो सब कुछ एक एक करके पूरा डिटेल्स को डालिए। हाँ, इस फॉर्म का फोन से भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल स्टेप है। सबसे पहले आप एक बायोडाटा आपको बना के रखना होगा, उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो पूरा फॉर्म को फिलअप करने के बाद फाइनली नीचे देखिए एक सबमिट बटन दिखेगा, एक अप्लाई बटन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना तो आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। कुछ दिन के बाद आपको एक मेल आएगा, उस मेल में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, और वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।